प्रणाम, आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूर्णिया के चुनापुर एयरपोर्ट से एक बार फिर आम लोगों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 29 मार्च को DM कोर्ट में रैयतों के साथ होने वाली दूसरी सुनवाई इस लिहाजा से बेहद अहम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो पूर्णिया बीते 7 सालों से हवाई सेवा के लिए जद्दोजहद कर रहा है और हर नेता से लेकर अफसर तक दरवाज़ा खटखटा रहा है, उस पूर्णिया का उड़ान के मामले में इतिहास कितना स्वर्णिम रहा है। जब देश आज़ाद तक नहीं हुआ था, उस वक्त देश के सबसे पुराने जिले से हवाई सेवा शुरू हो चुकी थी। आज हम आपको पूर्णिया के उसी सिविल एविएशन की वो गौरवमयी गाथा सुनाएंगे जो अब तक आप शायद ही जानते होंगे। बात 1933 की है। 3 अप्रैल का दिन आसमानों को बादल ने घेर रखा था और नीचे विमान लिए 2 पायलट मौसम के साफ होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 3 अप्रैल 1933 को सुबह 8:25 पर विमान के मुख्य पायलट लॉर्ड क्लाइड डेडल कर्नल स्टीवर्ट ब्लैकर के साथ वेस्टलैंड PV 3 और लेफ्टिनेंट डेविड मैकइंटायर कैमरामैन SR बोनेट के साथ वेस्टलैंड PV-6 में उड़ान भरी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। दुनिया को एवरेस्ट की पहली तस्वीर दिखाने के लिए पूर्णिया की धरती से विमान ने उड़ान भरी और उसके बाद पूरी दुनिया ने एवरेस्ट की वो खूबसूरती देखी जिसकी लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी। 30 मिनट की उड़ान भरने के बाद पूर्णिया से 40 माइल दूरी तय करने के बाद जब फारबिसगंज से आगे पहुंचे, उस समय 19,000 फीट की ऊंचाई से उन्हें माउंट एवरेस्ट की धुंधली तस्वीर दिखी। इसके बाद 10:05 पहली बार कोई विमान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर चक्कर लगा रहा था। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा का 15 मिनट चक्कर लगाने के बाद विमान वापस पूर्णिया बेस कैंप लौटे। अगले ही साल यानी कि 1934 पर इस पर फिल्म भी बनी जिसे ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया था। पूर्णिया से उड़ान का ये जो बीच चुनापुर की उपजाऊ धरती में 23 साल पहले गिरा था, उसने साल 1956 में उस वक्त पेड़ का रूप ले लिया जब पूर्णिया के लोगों ने पहली बार हवाई जहाज से कोलकाता की यात्रा की। ये पूरी तरह व्यावसायिक उड़ान थी जिसके लिए लोगों ने पैसे चुकाए थे। हालांकि कुछ तकनीकी समस्याओं से ये उसी साल बंद हो गया। फिर 8 साल बाद जब भारत और चीन जंग के मैदान में आमने सामने थे, तो पूर्वोत्तर में दुश्मनों को साधने के लिए भारत सरकार को एक वायुसेना स्टेशन की जरूरत महसूस हुई जिसे पूर्णिया के चुनापुर ने पूरा किया। युद्ध के दौरान ही साल 1963 में चुनापुर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन अस्तित्व में लाया गया। जंग खत्म हुई और जब माहौल शांत हुआ तो एक बार फिर पूर्णिया के लोगों के हवा में उड़ने का ख्वाब को पूरा करने के लिए 1976 में नागरिक हवाई सेवाएं शुरू की गई जो अगले 2 सालों तक चली। लेकिन यह सीमांचल के इस सबसे बड़े शहर का दुर्भाग्य ही है कि अगले 2 सालों में यानी कि साल 1978 फिर से हवाई सेवा पर ताला लग गया। इसके बाद पूर्णिया से उड़ान भरने की लोगों की इच्छा और उम्मीदों ने राजनीति और जिले के पिछड़ापन की वजह से वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, अगर मिट्टी में कोई बीज दबा रह जाए तो एक ना एक दिन उससे पौधा निकल ही आता है। ऐसा ही कुछ 34 साल बाद यानी कि साल 2012 में हुआ जब 6 नवंबर की बेंगलुरु की स्प्रिट एयर प्राइवेट लिमिटेड ने पूर्णिया कोलकाता और पटना के लिए घरेलू हवाई यात्रा शुरू की थी। 9-सीटेड प्लेन ने पूर्णिया सहित सीमांचल के 7 शहरों के उड़ान के सपनों को पूरा किया। लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद ही कम रेवेन्यू यानी कि आमदनी नहीं होने की वजह से कंपनी ने दिसंबर में सेवा बंद कर दी। इसके बाद अगले ही साल यानी कि 2013 में कंपनी ने फिर से रेवेन्यू का आकलन करते हुए अप्रैल से उड़ान सेवा शुरू की। लेकिन पूर्णिया के दुर्भाग्य ये भी 2 महीने चलने के बाद ही अस्थायी रूप से बंद हो गया। उस समय सप्ताह में 2 दिन विमान पूर्णिया से उड़ान भरती थी। पूर्णिया से पटना के लिए 3490 रुपये और पूर्णिया से कोलकाता के लिए 3990 रुपये किराया यात्रियों को देना पड़ता था। अब सवाल उठता है कि आखिरकार 21वीं सदी के लिए नए भारत में पूर्णिया से हवाई सेवा क्यों जरूरी है और क्या पूर्णिया इसके लिए तैयार है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे इतना लंबा चौड़ा है कि उस पर दुनिया का कोई भी विमान उतर सकता है।
आपको जानकर हैरानी होगी, इतना बड़ा रनवे ना तो राजधानी पटना का है और ना ही गया या दरभंगा एयरपोर्ट का। पटना में रनवे छोटा होने की वजह से अभी एक भी बोइंग विमान नहीं उतर पाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर ताला लगा हुआ है। वहीं पूर्णिया के रनवे पर वायुसेना का भारी भरकम C-17 ग्लोबल मास्टर विमान भी उतर चुका है। चूनापुर वायुसेना स्टेशन का रनवे 11,000 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है, जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और मंगलोर जैसे बड़े शहरों के हवाई अड्डे के समान है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ने पूर्णिया के लोगों से हवाई सेवा शुरू करने का सपना दिखाया, लेकिन 7 सालों तक ये वादा फाइलों की धूल फांकता रहा है। केंद्र और बिहार सरकार ने 2016 में उड़ान योजना की तरह पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण की सहमति जताई और चूनापुर सैन्य एयरपोर्ट पर सिविल टर्मिनल निर्माण के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट को 250 करोड़ रुपए का फंड भी दिया। इसके अलावा 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए भी 20 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं, लेकिन 5 साल बाद भी यह प्रोजेक्ट अटका लटका भटका ही है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा जमीन अधिग्रहण को लेकर था। साल 2017 में 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन निकला था, लेकिन कम मुआवजा मिलने के कारण कई जमीन मालिक हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर पूर्णिया के डीएम ने भूमि अधिग्रहण पर सुनवाई शुरू की है। करीब 3 सालों तक कोर्ट में सुनवाई होने के बाद पटना हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण से जुड़ी समस्या को एक बार फिर पूर्णिया कलेक्टर कोर्ट के पाले में डाल दिया है और 45 दिनों में समस्या को सुलझाने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। इसके बाद जिले के डीएम राहुल कुमार ने पहली सुनवाई भी कर ली है, जिसमें 45 रैयत शामिल हुए। अब इस मामले में दूसरी सुनवाई 29 मार्च को होगी। इसी दौरान संसद के बजट सत्र में आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा। इसके जवाब में सिंधिया ने बताया कि अभी पूर्णिया के वायुसेना स्टेशन पर रनवे को फिर से बनाने का काम चल रहा है और जैसे ही राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण कर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप देगी, वहां सिविल टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर कुछ नई जानकारी के साथ होंगे हाजिर। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय बिहार।